इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शायद इससे बढ़कर दरिंदगी का मुजारा आपने कभी नहीं देखा होगा, इस मुल्क में तो कभी नहीं देखा होगा। आखिर योगी राज में क्या क्या नहीं हो रहा। साफियों को पीटा जा रहा है, उनका कत्ल किया जाए, बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है, हक बात करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। एक बार फिर दरिंदगी की इंतहा बयां करने वाला वाक्य हाथरस उत्तर प्रदेश में पेश आया। एक दलित बेटी जिसकी असमत रेजी शायद जमाने ने कभी ना देखी होगी, जबान काट दी गई, गर्दन को तोड़ दिया गया। चार दरिंदों ने एक दलित की बेटी जो इस देश की बेटी थी, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले अब कहां हैं और क्यों खामोश है? क्या यही राम राज्य है योगी का? कल इस मजलूम बेटी की मौत हो गई तो अंधेरे में रात को पुलिस हिफाजत में अंतिम संस्कार किया गया। योगी अपने आप को हिंदुत्व के आलमबरदार समझते हैं ना, तो फिर आखिरी रसूमा जो हिंदू रस्म रिवाज के साथ करने थे क्यों करने नहीं दिया गया? चार दरिंदों ने इज्जत को तार तार किया। चार दरिंदों की दरिंदगी की दास्तान सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर वालों ने गुजारिश की कि बेटी को हल्दी लगानी है, कुछ आखिरी रसूमात को मुकम्मल करना है, पर योगी सरकार की पुलिस ने किसी की न मानी। घर वालों को घर के अंदर बंद करके एम्बुलेंस से लाश को जबरन लाया गया और रात के अंधेरे में मनीषा की मैयत को जलाया गया। अब घर वालों ने अपना मुतालबा करते हुए कहा कि मनीषा के चिता की आग अब नहीं बुझने वाली जब तक कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होगी और उन मुजरिमों पर कार्रवाई नहीं होगी। आखिर क्या भारत में अब यही होता रहेगा? और खासकर यूपी जहां योगी का गुंडाराज है, कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं होगा। जहां छोटी सी बात पर भौंकने वाले वो मखसूस चाटुकार साहब ही कहां गए जिन्हें सिर्फ कंगना के घर का छज्जा टूटने पर सदमा पहुंचा था। कहां गए वो अर्नब गोस्वामी जिनको सुशांत सिंह की मौत को देश का बहुत बड़ा नुकसान होने की तरह सुबह शाम खबरें चला रहे थे? कहां जोर जोर से चीख कर पूछता है भारत कहने वालों पर, अब खामोश रहने वालों के मुंह पर थूकता है भारत। क्योंकि कंगना रनौत की हिमायत में तो इनका इस तरह चीखना था कि जैसे इनके घर में मैयत हुई होगी। और वैसे भी इस दलित की बेटी की जबान काटी गई है, पर पूरा देश क्यों गूंगा हुआ है? शायद इन्हें इन बातों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम नहीं निकलता, या तो फिर योगी की हुकूमत के खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकलती। हाथरस की बेटी की इज्जत सरे बाजार उछाला गया, पर सभी खामोश है, मीडिया में सन्नाटा है, क्योंकि राम राज के ठेकेदारों से कौन सवाल करेगा? यहां तो मजलूम पर ही सवाल उठाए जाते हैं, गुनहगारों को पनाह सरकारी महकमों की जानिब से दी जाती है। योगी हुकूमत में इंसाफ कब का दम तोड़ चुका है? गरीब मजदूर बेबस लाचार गुलामों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। दलित मुसलमानों का मॉब लिंचिंग अब यहाँ की तहजीब बनती जा रही है। गांव के नामों को बदलना गोया गरीबों को रोजी रोटी देने से भी अहम काम माना जा रहा है, और यहाँ हर रोज किसी मनीषा की इज्जत भी लूटी जाती है तो खामोशी छा जाती है। हंगामा शोर तब बरपा होता है जब किसी कंगना दीपिका रिया चक्रवर्ती को ड्रग के मामले में मुलविस किया जा रहा हो, तब भारतीय मीडिया को जोश आता है, ओए उद्धव ठाकरे, ओए सलमान खान, गोया कि ये कोई पत्रकार नहीं गुंडे की जबान में धमकी दे रहा हो। और यह जबान इसलिए भी बोली जाती है क्योंकि इनके सरों पर बड़े बड़े सियासी कायदों का हाथ होता है, और अगर आप देखेंगे ये तमाम किसी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। आपको अगले वीडियो में बाबरी मस्जिद की शहादत के फैसले पर जरूर गुफ्तगू होगी, क्योंकि अदालत ने यह कहा है कि बाबरी मस्जिद किसी ने शहीदी नहीं की, लिहाजा अडवाणी जोशी समेत तकरीबन 22 लोगों को बाइज्जत रिहा किया गया। अगर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया तो आखिर मस्जिद गिरी कैसे? क्या अपने आप गिर गई? खैर तमाम तफसीलात अगले वीडियो में देखेंगे। कहने का मतलब अदालत से लेकर पुलिस तक किस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। देर रात को मनीषा को बिना आखिरी रसूमात को अंजाम दिए जबरन दहन किया गया। अब जिस तरह मनीषा के घर वालों ने कहा है कि मनीषा की चिता की आग अब ठंडी नहीं होगी, अब देखना है कि 19 साल की दलित बेटी मनीषा के मुजरिम संदीप रवि रामू लवकुश को सजा मिलेगी या सियासी भेड़िए इसकी हिफाजत करेंगे जैसे आसिफा के कातिलों की इन्होंने हिफाजत करने की कोशिश की थी। तबरेज पहलू खान के कातिलों को फूल मालाएं पहनाकर इस्तकबाल किया था। अब आवाम यह सवाल उठाने पर मजबूर है कि क्या यही योगी का राम राज्य है? इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।